हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुतमैन प्रकाश, और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में के फर्स्ट पेपर में यूनिट सेकंड में रोडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टर्माइट्स के बारे में पढ़ा था, और हम रोडेंट्स में मेनली रैट्स आते हैं और उनका कंट्रोल। ठीक है, तो आइए हम उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, रैट्स एंड कंट्रोल, जो कि हमारे रोडेंट्स का ही पार्ट है। इंट्रोडक्शन। चूहों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास। प्राचीन समय में भी प्री वैदिक पीरियड में चूहों का उल्लेख है। इसके प्रमाण में यह कहा जा सकता है कि लॉर्ड गणेशा के साथ चूहों का नाम अवश्य लिया जाता है। बीकानेर में एक ऐसा टेंपल है जहां रोजाना 80 किलो अनाज चूहों को खाने के लिए डाला जाता है। चूहे मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये घर में रखी वस्तुओं, फसलों, वेजिटेबल्स, गोदामों में रखे अनाज आदि को हानि पहुंचाते हैं। चूहों के कंट्रोल को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि उनकी स्पेसीज, हैबिटाट, उनके मूवमेंट तथा फूड आदि की नॉलेज हो। तो बात करते हैं हम स्पीसीज ऑफ रैट। ठीक है, कि रैट की स्पीसीज कौन कौन सी हैं, उनकी जातियां कौन कौन सी हैं। 1968 में डॉक्टर श्रीवास्तव ने यह बताया कि चूहों की 110 स्पीसीज भारत में मिलती हैं, जिनमें से 70 स्पीसीज मैमल्स के ऑर्डर रोडेंसिया की फैमिली मुराइडी में रखा गया है। वैसे रैट की दो सब फैमिली हैं, एक तो मुरैनी और दूसरी ग्रेविलाइनी। ज्यादातर तीन टाइप्स के चूहे मिलते हैं, एक तो फील्ड रैट्स, दूसरा हाउस रैट्स एंड तीसरे जो दोनों जगह मिलते हैं। रैट्स की कुछ कॉमन व इम्पॉर्टेंट स्पीसीज इस प्रकार हैं। पहली स्पीसीज है रैटस रैटस, जिसे हम हाउस रैट के नाम से जानते हैं। यह स्पीसीज अपने रहने के लिए मुश्किल से ही बिल बनाती है। यह पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। इनमें ब्रीडिंग पूरे वर्ष होती है। इनकी टेल बाकी शरीर से ज़्यादा लंबी होती है। हमारे देश में इनकी दो रेसेस दिखाई देती हैं, एक में ये डोर्सल साइड रेडिश ब्राउन तथा दूसरी में ब्लैक रेडिश कलर होता है। अब इसकी दूसरी स्पीसीज है टेट्रा इंडिका। ये स्पीसीज अनकल्टीवेटेड फील्ड्स में पाई जाती है। प्लेग को फैलाने में यह एक इम्पॉर्टेंट कैरियर मानी जाती है। इसकी बॉडी का कलर डोर्सल साइड पर लाइट ब्राउन तथा वेंट्रल साइड पर डार्कर होता है, और वेंट्रल साइड पर ही हल्के येलो हेयर दिखाई देते हैं। इसके हाइंड लेग ज्यादा लंबे और कूदने में मदद करते हैं। यह पौधों की पत्तियां, तनों, जड़ों, फलों आदि में नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है रैटस नॉर्विजिकस, इसे हम नॉर्वे रैट के नाम से जानते हैं। यह स्पीसीज ज्यादातर उन शहरों में मिलती है जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं। ये घरों के अलावा खेतों में भी रहते हैं। इसके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसकी बॉडी का कलर डोर्सल साइड पर डार्क ब्राउन और वेंट्रल साइड पर सफ़ेद होता है। इसमें भी ब्रीडिंग पूरे वर्ष होती है। इसमें टेल की लंबाई बॉडी से कम होती है। अगली स्पीसीज है मस्कुलस, यानी इसका कॉमन नेम एल्बिनो रैट है।
यह स्पेसीज घरों के अलावा गार्डन्स तथा फील्ड्स में भी मिलती है। बॉडी का कलर डॉर्सली लाइट ब्राउन और वेंट्रली पेल ब्राउन होता है। यह स्पेसीज इतनी एक्टिव है कि मार्ग में आने वाले हर चीज को खा जाती है। इसी स्पीसीज का यूज प्रयोगशाला में किया जाता है। टेल बॉडी से बहुत छोटी होती है। अब बात करते हैं हम इसकी अगली स्पीसीज की, जो है वेंडिकेटा इंडिका, जिसका कॉमन नेम बैंडिकूट रैट है। ये स्पीसीज कल्टीवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स, लॉन्स आदि में रहती है और ज्यादातर जड़, तने, फल, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स आदि पर फीड करती है। इस स्पीसीज की बैक पर बहुत सारे बाल होते हैं और जब इसे डिस्टर्ब किया जाता है तो इसके बाल खड़े हो जाते हैं तथा ये ग्रंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगली स्पीसीज है न्यूसोकिया इंडिका, जिसे हम कॉमन नेम शॉर्ट टेल रैट के नाम से जानते हैं। यह स्पीसीज कल्टीवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स, लॉन्स आदि में पाई जाती है और ग्रासेस, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स आदि पर फीड करती है। इसकी बॉडी का कलर डोर्सल साइड पर ब्राउन और वेंट्रल साइड पर हल्का पीला होता है। इसकी टेल छोटी होती है। अगली स्पीसीज है ट्रिक्स स्पाइनी माउस। यह स्पीसीज टैंक के साइट पर अपना बिल बनाता है और जब तक ये अंदर रहता है तब तक बिल की ओपनिंग बंद रखता है। इस स्पीसीज में बॉडी का कलर डोर्सल साइड पर डार्क ब्राउन और वेंट्रल साइड पर व्हाइट होता है। इसकी टेल बहुत छोटी होती है। अब बात करते हैं हम इसकी अगली स्पीसीज की। जो अगली स्पीसीज है वो गोलोंडा इलियोटाई, जिसे हम ब्रुस रैट के नाम से जानते हैं। ये स्पीसीज कांटेदार झाड़ियों में रहती है और वेजिटेबल्स तथा ग्रासेस पर फीड करती है। डोर्सल साइड पर बॉडी का कलर येलोइस ब्राउन और वेंट्रल साइड पर ग्रेइस ब्राउन होता है। यह स्पीसीज बहुत कॉमन होती है और आराम से देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं हम इसकी अगली स्पीसीज की। आइए देखते हैं। जो इसकी अगली स्पीसीज है वो रेटस मेल्टाडा, ठीक है। इसे हम सॉफ्ट फर फील्ड रैट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इस स्पीसीज के बारे में। यह स्पीसीज कल्टीवेटेड फील्ड्स में पाई जाती है तथा स्टेम्स, ग्रेन्स तथा घास की जड़ों पर फीड करती है। इसके बाल यानी हेयर बहुत सॉफ्ट होते हैं तथा स्पाइन्स नहीं होते हैं, यानी इसकी बॉडी पर स्पाइन्स नहीं होते हैं। बॉडी कलर डोर्सल साइड पर डार्क ब्राउन तथा वेंट्रल साइड पर ग्रेस व्हाइट होता है।
अब बात करते हैं हम इसके हैबिट एंड हैबिटाट की, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका आदत और स्वभाव क्या है, आइए देखते हैं। चूहों में अपने आप को एडजस्ट करने की पावर होती है। इनमें स्मॉल, स्मेल, टेस्ट हियरिंग तथा स्पर्श की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये किसी भी प्रकार के खतरे से बच जाते हैं। ये अपने मार्ग की पहचान डार्क ग्रेस मार्ग को देखकर करते हैं। ये रात के समय अपने बिल से निकलते हैं व फीडिंग में बिजी रहते हैं। जैसे ही इनके पास कोई आता है वैसे ही ये अलर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बुरो, यानी ये अपना बिल कैसे बनाते हैं। बिल बनाने से पहले चूहे खेत का सर्वे करते हैं और ये देखते हैं कि वह क्रॉप्स की क्या पोजीशन है, वहां क्रॉप्स की क्या पोजीशन है तथा सॉयल में नमी है या नहीं है। ज्यादातर ये अपने बिल सुरक्षित स्थानों पर बनाते हैं, जैसे स्टोव हाउस में, खेतों में रहते हैं। रहने वाले चूहे उस स्थान पर बिल बनाते हैं जहां क्रॉप्स काफी घनी हो। इनके बिल में कई ओपनिंग्स होती हैं। बिल की लंबाई, उसका शेप, साइज, गहराई आदि वेरिएबल्स होते हैं। बिल का टेम्परेचर गर्मियों में कम तथा जाड़ों में ज्यादा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।